अगर गर्मियों में आपके चेहरे पे धूप की किरणों की वजह से झाइयाँ हो जाती हैं, सनबर्न हो जाते हैं या फिर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिद्दी झाइयाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए बहुत ही असरदार सटीक नुस्खा शेयर कर रही हूँ। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आपको यहाँ पे एक क्लीन बोल लेना है। सबसे पहले ऐड करना है आपको वाइट ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल। आप कलर्ड वाला भी ले सकती हैं, लेकिन कलर्ड वाले की अपेक्षा वाइट वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है एक चम्मच के करीब ही शहद यानी कि हनी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक या रॉ हनी, जिसे कच्ची शहद कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एंड इसके साथ आपको इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। कम से कम 2 से 3 चम्मच आपको यहाँ पे रोज़ वाटर लेना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स करके एक जेल फॉर्म में आपको रेडी करना है। रोज़ वाटर हमारी त्वचा में ठंडक पहुंचाती है, स्किन की ग्लोनेस को भी ये इम्प्रूव करती है। ये शहद प्लस एलोवेरा आपके कोलेजन को बूस्टअप करता है, जिससे कि स्किन स्मूथ सॉफ्ट बनती है, रिंकल्स की समस्या दूर होती है, झाइयों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, सनबर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। तो यहाँ पे हो गया है जेल रेडी। चलिए इसे अप्लाई करते हैं चेहरे पे। सबसे पहले अपने चेहरे को यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। आपको भी बिना क्लीन किए अपने चेहरे को वॉश किए इसे अप्लाई नहीं करना है। आप इसे अपने फेस, अपने नेक एरिया में अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फेस में अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपको यहाँ पे एक पतली लेयर नहीं लगानी है, क्योंकि हमें इसे एज अ फेस पैक के तौर पर यूज़ करना है। हमें इसका मसाज नहीं करना है, हमें इसे रब नहीं करना है। तो एक मोटी लेयर आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करनी है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट सिर्फ उन एरियाज़ में इसे इस्तेमाल करें जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आपको सनबर्न की प्रॉब्लम है, सन रैशेज की प्रॉब्लम है, स्पॉट्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे, या फिर आप पूरे चेहरे पे भी एक मोटी लेयर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कूलिंग एहसास कराता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडक महसूस होता है इसे अप्लाई करने के बाद, और स्किन सॉफ्ट होती है, आपकी स्किन डीपली मॉइस्चराइज होती है, क्योंकि इसमें शहद का इस्तेमाल किया गया है और एलोवेरा मल्टीपर्पस खूबियों के लिए जाना जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत तरीके से, स्किन के अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर ये काम करती है, और बहुत ही अच्छा इसका जो रिज़ल्ट है वो आता है, क्योंकि जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं उन्होंने हमेशा इसे पॉजिटिवली लेकर के चला है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है स्किन में। ऑल स्किन टाइप्स होती है, इसलिए कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको यहाँ पे एक मोटी थिक लेयर लगा लेनी है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ यहाँ पे अपने फेस पे। ये आपके रिंकल्स को भी कवर करता है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करती है। तो यहाँ पे अच्छे से लगाने के बाद आपको कम से कम 20 मिनट के लिए इसे छोड़ना है। उसके बाद आपको गुनगुने पानी से पहले वॉश करना है, देन ठंडे पानी से। तो मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्ट यहाँ वॉश करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे अपने चेहरे को कर लिया है वॉश, और वॉश करने के बाद चेहरे में इतना कूल, कहते हैं जैसे एक बर्फ़ लगा लिया हो अपने चेहरे पर, उस तरीके से मेरा फेस बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा था चेहरे पर। रिंकल्स जो हैं, फाइन लाइंस, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ऑयल आपका बिल्कुल यहाँ पे रिड्यूस होगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए भी ये फ़ायदा पहुँचाती है, स्किन में ग्लो बढ़ाती है, स्किन सॉफ्ट करती है, स्मूथ करती है, टेक्सचर इम्प्रूव करती है, और डे बाय डे जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी, और जो भी प्रॉब्लम है यूवी रेज की वजह से वो नहीं होगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे आपको डेली ही अप्लाई करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, अपना ध्यान रखिए।